वेलकम टू ट्रू स्टोरी। पहले तो हम जानना चाहेंगे स्कूल लाइफ के बारे में। सो स्कूल की क्या क्या मेमोरीज है जो अभी भी आपको याद है? स्कूल की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं मेरे पास। मेरा स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करता ना, अभी भी है तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल, बट आपको मज़ा आएगा। मतलब आपको मुझे बहुत मज़ा आता था बिकॉज मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड सब थे, हम लोग साथ में मज़े करते थे। और मुझे तो इसमें मज़ा आता था कि मैं फर्स्ट बेंच पर बैठूँगी, हाथ ऊपर करूँगी, टीचर जो पूछेगी मैं हाथ ऊपर करूँगी और जवाब दूँगी, बस सबको ऐसे चुप करा दूँगी। मैं ऐसी थी कि मैं हमेशा आपके साथ कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे इस क्लास में कुछ करना, जो जो काम है मैं क्लास में करूँगी, जो टीचर कुछ भी पूछ रहे हैं मैं जवाब दूँगी, टीचर पहले मांग रहे हैं तो मैं दूँगी पहले। आप लोग ना उसको आई थिंक चमचा होना कहते हैं, पर मैं चमची नहीं थी, मैं टीचर्स की फेवरेट थी, स्टूडेंट्स की भी फेवरेट। सो कभी फ्रेंड ने आपको ऐसा आरोप नहीं लगाया कि तू चमची है, मॉनिटर है, हमारा नाम दे रही है, बोर्ड पे लिख रही है, ऐसा कुछ? और हम लोग साथ में मिलकर सब जवाब देते थे, क्योंकि इतनी शांति, मैं हाईलाइटेड थी, मैं ऐसा था कि मुझे जवाब देना है, मुझे करना है, मुझे कॉपी लेने से उधर करनी है, क्लास रूम से टीचर्स रूम में नहीं जाना, मैं करूँगी, किधर नहीं रुको। और टीचर्स भी नहीं सोचते कि ये इंद्राक्षी करेगी, ये सब इंद्राक्षी करेगी। वैसा कोई टीचर का खौफ रहा हो लेक्चर इसका नहीं आना चाहिए या तो जल्दी से ख़त्म हो जाए? अरे क्या बताऊँ, मैं मेरे 9-10 में इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट, अरे नहीं यार मैं बताऊँगा, मेरी टीचर ने इंटरव्यू देखा तो हे भगवान। बट शी वॉज़ वेरी गुड, पहली शुरुआत इससे करती हूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था, बट मेरी टीचर ऐसे थी ना कि वो पढ़ाती नहीं थी, वो बस क्लास में आती थी और बोलती थी इंद्राक्षी स्टैंड अप एंड रीड द बुक। मैं बस खड़ी होकर पढ़ने लगती थी, फिर पढ़ती ही जाती और उनका क्लास ख़त्म होने तक आधे घंटे तक पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या वो पढ़ाना नहीं आता है, वो ऐसा होता है कि मैं पढ़ पढ़ के मुझे याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया और सबको सुनाया कि मैंने क्या पढ़ाया। वो ऐसा होता है कि वोकैबुलरी अच्छी होती है और पढ़ाना वो नहीं होता। अब मेरी टीचर ने ये देख, आई लव यू मैम, यू आर द बेस्ट। ओके, कोई प्यारे टीचर हो जिसको मिस भी करते हो आज भी? एक्चुअली मैं दो बार स्कूल इंटरचेंज हुआ है, तो मेरे पिछले स्कूल में देयर वाज अ इंग्लिश टीचर जो शायद अभी नहीं है, शी इज़ नॉट अलाइव एनीमोर, वो कोविड के टाइम पे चली गई, बट शी वाज सच अ ब्रिलियंट टीचर एंड सच अ ब्रिलियंट मेंटर। मैं जितनी अच्छी हूँ ना इंग्लिश में, आई एम दिस गुड बिकॉज ऑफ हर, इट्स हर टू से हर, क्या कहूँ मैं उसकी, उनकी देन है कि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट हूँ इंग्लिश में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। मैं बुरी तो किसी सब्जेक्ट में थी नहीं, कंप्यूटर के अलावा, कंप्यूटर मैम मुझे पसंद भी नहीं करती थी, ये नॉनसेंस कर रही थी, कुछ नहीं आता, ठीक है वो तो चलता है। वो मैम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मिस हर। ओके, सो अभी बच्चों की छुट्टियां भी आ रही हैं, आपके भी वेकेशंस आते होंगे, तो क्या वेकेशन में क्या प्लान होते थे, क्या इन्जॉयमेंट होता था हमेशा? मेरे तो कोई वेकेशंस नहीं आते अभी, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, काम करना पड़ता है, रोज़ सुबह सुबह उठना, सारे चले जो उठो और काम करना। आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी मिलेगी बिकॉज मुझे मेरे घर जाना, मेरा एग्ज़ाम हो गया भी और मेरा पहला वोट है, मुझे पहला वोट देने जाना है कोलकाता, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपने कोलकाता वापस विजिट करूँगी। एवरी टाइम इवन दो मैं शायद 2 महीने पहले ही गई थी, बट फिर से वापस कोलकाता जाना एक ऐसी फीलिंग है ना जो मैं, इट्स इनडिस्क्राइबेबल, इट्स लाइक दिस इनर फीलिंग जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट इट्स ब्यूटिफुल। कोलकाता में कभी भी जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वाओ आई एम बैक। बट ऑफकोर्स इसी के लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं मेरी यहाँ पे 10 दिनों के लिए छुट्टी है, तो 10 दिन मैं उधर रहूँगी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। ओके, लास्टली अपनी पुष्पा इम्पॉसिबल के लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? पुष्पा इम्पॉसिबल व्यूअर्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि थैंक्स फॉर मेकिंग अस सो फेमस एंड सो लव्ड, बिकॉज जब भी मैं बाहर भी जाती हूँ आई फील सो लव्ड लव्ड बाई, बिकॉज सब आते हैं और मुझे
लव फील हम रोज देखते हैं, हम 9:30 बजे टीवी के सामने बैठते हैं आपका शो देखते हैं। थैंक यू।